हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स आई एम योर टीचर प्रियंका हम कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री ऑफ क्लास टेन आज स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री जो कर रहे हैं हम वो है आईसीएसई क्लास टेन वालों के लिए दिस इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स एक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल किया था जिसमें हम साइन कॉस्ट एंड मतलब सारे आ, सारे जो छः ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ थे उनके ज़ीरो थर्टी फोर्टी फाइव सिक्सटी और नाइन्टी डिग्री इनकी वैल्यू क्या होती है वो हमने किया था दैट वॉज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल फॉर स्टैंडर्ड एंगल्स ठीक है लेकिन जीरो से लेकर के नाइन्टी तक के बीच में और बहुत सारे एंगल्स होते हैं अगर उनमें से कोई वैल्यू आ जाए फॉर एग्जांपल साइन 40 डिग्री आ जाए या फिर कॉस 84 डिग्री आ जाए तो उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स यूज़ करते हैं जब भी तुम्हारे पास सम होंगे तो तुमको टेबल भी प्रोवाइड किए जाएंगे बट उन टेबल को पढ़ना और उनसे वैल्यू निकालना ये आना चाहिए तो चलो हम वो करते हैं कैसे किया जाता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स एग्जैक्टली होते क्या हैं इनमें साइन कॉस और टेन इन तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के जो एंगल्स होते हैं जीरो से लेकर नाइन्टी डिग्री तक की सारी वैल्यूज़ इन टेबल्स में रहती है और ज़ीरो से नाइन्टी तक की जो वैल्यूज़ रहती है वो डेसिमल में रहती है फोर डेसिमल प्लेसेस तक रहती है तो जब हमको कोई भी सम दिया जाएगा कि ये डिग्री की वैल्यू निकालो तो हम इस टेबल के थ्रू निकालते हैं तो ये कैसे निकाला जाता है ये मैं आज तुम लोगों को बताती हूँ अब जैसे मैंने एक सम uh, लिया साइन 24 डिग्री अब तुमको साइन 24 डिग्री की वैल्यू निकालने बोलता है तो ये स्टैंडर्ड एंगल uh, तो है नहीं 0 30 45 60 90 के बीच तो इसमें हम टेबल यूज़ करेंगे तो ये जो सामने तुम लोग टेबल दिखाई दे रहा है इसमें देखो ये साइन का टेबल है पूरा जीरो से लेकर नाइन्टी डिग्री तक की इसमें वैल्यू रहती है इसमें एकदम जो लेफ़्ट uh, साइड वाला पहला कॉलम है देखो जीरो वन टू थ्री फोर लिखा हुआ है इसमें ट्वेंटी देखो ट्वेंटी डिग्री जो है उस ये सारे ट्वेंटी डिग्री वाली वैल्यूज़ है, तो इसमें जो बिल्कुल फर्स्ट वैल्यू है 24 फर्स्ट कॉलम में जो 24 के बाद में है 0.4067 ये 24 डिग्री की वैल्यू है जीरो नहीं लिखा हुआ रहा बट पॉइंट है इसका मतलब इसके पहले जीरो है तो जीरो ये हो गया तुम्हारा साइन 24 डिग्री जो तुमने इससे निकाल दिया अगर तुमको ये दिया जाए साइन के लिए 24 डिग्री 18 मिनट्स तो तुम इसको कैसे निकालोगे तो तुम अगेन साइन वाला टेबल जो है वो खोलोगे 24 डिग्री वाले पार्ट में आओगे 24 में तुम देखो इसमें भी बहुत सारे कॉलम्स हैं ट्वेंटी डिग्री वाले रो में उसमें अगर ऊपर देखो तो देखो क्या क्या कॉलम में लिखा हुआ है जीरो मिनट सिक्स मिनट ट्वेल्व एटीन ट्वेंटी मिनट थर्टी मिनट थर्टी मिनट फॉर्टी मिनट फोर्टी मिनट फोर्टी मिनट फिफ्टी मिनट तक दिया हुआ है हमको क्या चाहिए 18 मिनट तो 24 डिग्री वाले रो में ही आगे बढ़ते जाओ और 18 मिनट वाला को जो कॉलम है उसमें कितना लिखा है देखो 4115 तो ये तुम्हारी वैल्यू है बट याद रखो अपनी शुरुआत कैसे हुई थी 0.4067 राइट आगे कहीं पे भी पॉइंट नहीं दिया हुआ है लेकिन ये सब पॉइंट में ही है ठीक है तो 0.4115 है तो ये जो पार्ट है अगर हमको 24 डिग्री 18 मिनट दिया जाए तब हम इसकी वैल्यू लिखेंगे 0.4115 फिर ये वैल्यू नहीं रहेगी ट्वेंटी डिग्री एटीन मिनट्स की ये हो गई क्लियर है कैसे निकालना है अभी जैसे एक और एग्जाम्पल देती हूँ इसी में समझ लो साइन ट्वेंटी डिग्री और 18 मिनट्स की जगह दिया हुआ रहा है 23 मिनट्स ठीक है अभी देखो इसमें हम कैसे करते हैं 24 डिग्री 23 मिनट दिया है तो 24 डिग्री वाले रो में हम आते हैं 24 डिग्री वाले रो में अब हम 23 मिनट खोज रहे हैं जो कि कोई है ही नहीं मिनट 23 नहीं है या तो 18 मिनट है उसके पहले वाला या 24 मिनट है बाद वाला हम हमेशा अगर जो कोई मिनट दिया हुआ रहा है वो वैल्यू तुमको ना दिखे हमेशा उसके पहले वाला वैल्यू ही देखो ठीक है तो हमको 23 बोल रहा है तो हम 23 के पहले वाली वैल्यू देखेंगे 23 नहीं है तो तो वो है 18 मिनट्स तो हम 24 डिग्री के 18 मिनट्स वाले पार्ट में आते हैं जो कि है 0.4115 ठीक है लेकिन यहां लिखा हुआ है 23 तो कितने का डिफरेंस हुआ 18 और 23 में पांच का डिफरेंस है ये पांच का डिफरेंस हम आगे एकदम राइट साइड में देखो कॉलम्स दिए हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है मीन डिफरेंसेस ये मेन डिफरेंसेज वन टू थ्री फोर फाइव मिनट्स वाले हैं तो हमारा डिफरेंस क्या आया था फाइफ तो हम फाइव वाले कॉलम में नीचे बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं और ट्वेंटी फ़ोर वाली रो में देखो फाइव के आगे क्या लिखा हुआ है थर्टीन तो ये जो थर्टीन है ये हमको ज़ीरो पॉइंट फोर वन वन फाइव में ऐड करना है ऐड कैसे करेंगे बिल्कुल लास्ट में हम ऐड करेंगे थर्टीन को तो अब हमारा जो नंबर हो गया वो है ज़ीरो पॉइंट फोर वन टू एट हमने क्या किया ऐड किया और ये हमने किसकी वैल्यू ली थी ट्वेंटी थ्री मिनट्स के जस्ट पहले जो था वो क्या था साइन ट्वेंटी फोर डिग्री एटीन मिनट की वैल्यू ली पाँच का डिफरेंस आया वो फाइव मिनट मेन डिफरेंस जो था वो हमने यहाँ ऐड कर दिया ओके okay. अगर ये कॉस होता तो ये मेन डिफरेंस हम सब्ट्रैक्ट करते और अगर टेन होता तो ऐड करते तो हम साइन में और टेन में तो हम मेन डिफरेंस को ऐड करते हैं और जब कॉस होता है तो उसमें हम मेन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं अभी हम और सम करते हैं ये तो मैंने सिर्फ साइन से बताया साइन कॉस टेन का मिक्स करके बताती हैं अब हमारे पास में सेकेंड नंबर सम है कॉस सिक्सटी टू डिग्री ट्वेंटी सेवन मिनट तो ये कॉस वाले टेबल से आएगा तो हम सबसे कॉ सबसे पहले कॉस का टेबल देखते हैं उसमें 62 डिग्री देखेंगे और 62 डिग्री वाले रो में हम देखेंगे 27 मिनट वाला कॉलम है कि नहीं है तो 62 डिग्री में जो मिनट्स वाला कॉलम है वो 24 मिनट है लेकिन 27 नहीं है तो अगर जो मिनट तुमको ना मिले उसके पहले वाला मिनट देखो तो ट्वेंटी मिनट तक तो है चलो ये क्या है कॉस 62 डिग्री 24 मिनट तो है ही और इसमें 24 मिनट्स तो है ही अब इसमें 24 और 27 का डिफरेंस कितना है तीन का तो प्लस थ्री मिनट्स ये हम लिख देते हैं अब हम सबसे पहले 62 डिग्री 24 मिनट की वैल्यू लेंगे उसके लिए हम टेबल देखते हैं कॉस का उसमें 62 डिग्री में आते हैं 62 डिग्री की तो को पहली वैल्यू जो है वो है 0.4695 बट हमको जीरो वो वैल्यू नहीं चाहिए हम 24 मिनट वाले वैल्यू में जाते हैं 24 मिनट वाला वैल्यू लिखा हुआ है फोर सिक्स 463 मतलब ये ज़ीरो है तो हम बोलते हैं कॉस 62 डिग्री 24 मिनट जो है वो कितना होता है 0.4633 ये तो हो गया और अब है मीन डिफरेंस कितने का है मीन डिफरेंस ऑफ थ्री मिनट है तो ये थ्री मिनट का डिफरेंस हम जो लास्ट में जो मेन डिफरेंसेस दिए हैं थ्री मिनट वाले उसमें हम सिक्सटी टू डिग्री वाले कॉलम में ही देखेंगे कि थ्री मिनट्स वाले में कितना लिखा हुआ है लिखा हुआ है एट तो ये जो एट है ये कॉस है इसमें हम इस एट को बिल्कुल लास्ट में तो लिखेंगे लेकिन ये एट सब्ट्रैक्ट होता है रिमेंबर टेन में और साइन में हम इस मेन डिफरेंस को हमेशा ऐड करते हैं और कॉस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं फाइव टू सिक्स ओके okay. तो हमारा जो आंसर आया जीरो पॉइंट फोर सिक्स टू फाइव ये किसका आ गया अब प्रॉपरली आ गया कॉस सिक्सटी टू डिग्री ट्वेंटी सेवन मिनट्स की वैल्यू ये आ गई ठीक है तो आगे तुम्हारे सम्स होंगे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के सम हो सकते हैं उसमें कभी ऐसी वैल्यू दे दे कोई ट्वेंटी डिग्री है कॉस का या टेन का फिफ्टीन डिग्री है जो हमारे पास वैल्यू है नहीं तो हम टेबल से निकाल करके फिर वैल्यू डालते हैं जैसे ये नेक्स्ट है हमारे पास सम समेन का फिफ्टीन डिग्री टू मिनट्स है तो 15 डिग्री टू मिनट्स मतलब क्या हो गया कि टेन 15 डिग्री लो और उसमें प्लस कर दो टू मिनट्स ठीक है सबसे पहले टेन 15 डिग्री देखते हैं तो उसके लिए हम टेन वाला जो टेबल है हमारे पास उसको देखेंगे उसमें 15 डिग्री वाले रो में आओ तो लिखा हुआ है 0.2679 राइट पॉइंट टू सिक्स सेवन नाइन है मतलब जीरो पॉइंट टू सिक्स सेवन नाइन है और उसके बाद देखो टू मिनट वाला नहीं है जीरो के बाद सीधा कितना है सिक्स मिनट्स है तो हम हमेशा जो दिया हुआ हो अगर वो ना मिले तो हम क्या करते हैं उसके पहले वाला नंबर ही लेते हैं तो इसके पहले वाला नंबर तो जीरो पॉइंट टू सिक्स सेवन नाइन ही है तो हम लिखते हैं ओके टेन फिफ्टीन डिग्री कितना आया ज़ीरो पॉइंट टू सिक्स सेवन नाइन और अब बाकी का टू मिनट नहीं मिल रहा मतलब ये मीन डिफरेंस है तो मेन डिफरेंस कितने का आया टू का टू मिनट्स और टेन है तो याद रखो मेन डिफरेंस हम हमेशा ऐड करेंगे ये टू मिनट्स का मेन डिफरेंस हम फिफ्टीन डिग्री वाला जो रो है टेन का उसी में देखते हैं टू मिनट्स के लिए क्या लिखा हुआ है टू मिनट्स के लिए लिखा हुआ है सिक्स तो इस सिक्स को हम ऐड कर रहे हैं बिल्कुल लास्ट में लिखोगे सिक्स इधर और अब ऐड कर दो बस तो हमारा टू सिक्स जीरो पॉइंट टू सिक्स एट फाइव जो है ये क्या गया? 10, 15 degree, minutes आ गया टेन फिफ्टीन डिग्री टू मिनट्स की वैल्यू आ गई अब हमारे पास जैसे ये एक सम है इसमें लिखा हुआ है साइन सेवेंटी वन डिग्री थर्टी वन मिनट का वैल्यू निकालना है नाउ अपने जब तुम साइन वाले टेबल में देखोगे तो तुम देखोगे मिनट्स में कहीं थर्टी वन मिनट्स नहीं है उसके जस्ट पहले क्या है थर्टी मिनट्स है इसका मतलब ये एक्चुअल वैल्यू हम कैसे निकालने वाले हैं साइन सेवेंटी वन डिग्री थर्टी मिनट्स तक की वैल्यू तो तुम निकालोगे बट बचा ये वन मिनट तो ये तुम्हारा हो गया वन मिनट एक्स्ट्रा ओके जिसका हमको मेन डिफरेंस uh, निकालना है तो हम सबसे पहले देखते हैं अपने टेबल में साइंस 71 डिग्री 30 मिनट्स की वैल्यू कितनी होती है तो हम 71 डिग्री वाले कॉलम में रो में आते हैं हमको चाहिए 30 मिनट वाले कॉलम में क्या लिखा हुआ है तो 71 डिग्री के 30 मिनट वाले कॉलम में 9478 लिखा है तो ये 0.9478 के जैसे हम लिखेंगे चलो ये तो हो गया अब बचाइए मीन डिफरेंस ऑफ वन तो मीन डिफरेंस ऑफ वन मिनट ये हम देखेंगे अपने मेन डिफरेंस वाले पार्ट में कहाँ पर सेवेंटी वन डिग्री वाले रो में ही हम देखेंगे जो मेन डिफरेंसेस आ रहे हैं उसमें वन मिनट में कितना दिया है वन तो ये वन को हम बिल्कुल लास्ट में रखेंगे और एड करेंगे बिकॉज साइन में एड होता है मेन डिफरेंस तो ये हो गया सॉरी ज़ीरो पॉइंट नाइन फोर सेवन नाइन जो है वो तुम्हारी वैल्यू आ गई सेवेंटी वन डिग्री थर्टी वन मिनट की क्लियर हो रहा है कैसे करना है तो जब भी तुम लोगों को ये सम दिए जाएंगे तो ऑलवेज रिमेंबर अगर ऐसे सम रहते हैं तो हमेशा टेबल्स तुम लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा बट जैसा मैंने बोला कि टेबल को पढ़ना और उससे वैल्यूज डिड्यूस करना भी पता होना चाहिए तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा ये बहुत ईजी है आगे जो हम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के सम करेंगे उसमें हम एक या दो सम ऐसे भी करेंगे जिसमें वैल्यू हमको टेबल से निकालनी होगी तब तुमको पता चलेगा कि टेबल सीखना क्यों जरूरी है सो वेट करो मेरे नेक्स्ट वीडियो का जो बहुत इंपॉर्टेंट टेंट है इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री पार्ट का हाइट्स एंड डिस्टेंसेज इसको हम बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से करने वाले हैं जल्दी लेके आऊँगी इसका वीडियो तब तक प्रैक्टिस करते रहो ट्रिग्नोमेट्री के बाकी सम्स एटलीस्ट फाइव सम्स अ डे एंड से येस टू मैथ्स बाय जय हिंद